I am your Hindi teacher and today I will explain one new chapter which is of class 7th and the book name is Amulya Hindi Vyakaran and the chapter number is 4th. First of all, write their half yearly syllabus class 7th standard. Chapter name is Shabad Vichar Morphology. हाँ जी बच्चे, ध्यान से देखें और चित्र को पढ़ें. रबूतक, ये बन गया रबूतक. कीलड़, अब इस शब्द को अगर हम सही देखें तो ये है कबूतर और ये है लड़की. क्या है ये चित्र? तो समझ में आ रहा है पर नीचे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा. दो या दो से अधिक वर्णों से बने शब्द समूह को शब्द कहते हैं पर उसका कोई अर्थ होना चाहिए. आपने चित्र में कबूतर तथा लड़की को देखा पर उनके पास लिखे वर्ण सार्थक क्रम में नहीं लिखे हैं. सार्थक मतलब एक लाइन में सीक्वेंस वाइज नहीं लिखे हुए. पहले चित्र के पास चार तथा दूसरे चित्र के पास तीन वर्ण लिखे हैं पर उनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है. तो हम कह सकते हैं वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं. अंडरलाइन द डेफिनेशन. वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं. शब्द और पद. शब्द ही पद होता है जब वाक्य में प्रयुक्त होता है. जैसे कबूतर तो शब्द कहलाता है. जब कहेंगे कबूतर उड़ रहा है यहाँ प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा. अब शब्द के भेद. अगर सिंगल शब्द है, सिंगल लाइन वर्ड है तो वो होगा शब्द. अगर उसको हम सेंटेंस बना देते हैं, वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, कारक की विभक्तियाँ लगा देते हैं तो वो बन जाता है वाक्य. शब्द के भेद. शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर कर सकते हैं. एक तो प्रयोग के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर या अर्थ के आधार पर. प्रयोग के आधार पर शब्द. भेद शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना होती है. वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है इस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं. एक होता है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द. बच्चे ये वाला शब्द विचार जो चैप्टर है ये हम 8th क्लास में भी करेंगे. विकारी शब्द. जिन शब्दों के मूल रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन किया जाता है जहाँ कारक, वचन और लिंग के आधार पर, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं जिसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. संज्ञा, बालक खेलता है, बालिका खेलती है. अब यहाँ पर जो हमने किया लिंग परिवर्तन, बालक खेलते हैं, बालिकाएँ खेलती हैं, ये हो गया वचन. बालक को खेलने दो, बालिकाओं ने शोर किया, यहाँ पर आ गया कारक की विभक्तियाँ. सर्वनाम. वह, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, मैं, हमें, हमारा आदि. इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण विकार आता है. विशेषण. लंबा लड़का, लंबे बाल, ऊंचा पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आदि. अब यहाँ पर जो विशेषण दिया जाता है, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं. और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. की क्रिया. जाता है, जाएगा, जाती है, जाएगी, जा रही है, जाना चाहिए आदि में अनेक परिवर्तन होते हैं. क्रिया होती है जब किसी काम के करने या होने का पता चलता है. अविकारी शब्द. इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई विकार नहीं आता. अब यहाँ पर अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का कोई भी लिंग या वचन में विकार उत्पन्न नहीं होता. अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात. सेकंड है जी उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद. इस आधार पर शब्दों को पांच भागों में बांटा जाता है. एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर. तत्सम शब्द. संस्कृत भाषा के वे शब्द अपने वास्तविक रूप में हिंदी में आए. संस्कृत के रूप में वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं जैसे पुस्तक, ग्रह, क्षेत्र, दुग्ध. अब इन शब्दों को ये संस्कृत से आए हैं ऐसे के जैसे ही क्यों के व्यों ही प्रयोग किए जाते हैं. ये तत्सम शब्द कहलाते हैं. लेकिन जब तद्भव शब्द भी होते हैं जो वे शब्द जो संस्कृत या प्रकृति से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, वो जो संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप होते हैं लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं. अब यहाँ पर तद्भव देख लो. हस्त तत्सम है और तद्भव हो गया हाथ. अर्शु, आंसू, निद्रा, नींद, ये सभी जो है यह तत्सम और तद्भव शब्द. नेक्स्ट है देश शब्द. वे शब्द जो तत्सम या तद्भव ना होकर अपने ही देश की भिन्न भिन्न बोलियों से भाषा में आ गए वे देशज कहलाते हैं. जैसे खटिया, लुटिया, लोटा, चूड़ी,
ताला, गोल, मटोल, रोटी, सोटी, मेल, जोल, खिड़की, जूता, मटका, पेट, झुग्गी, पैसा, ये सभी शब्द जो देशज, उसी देश की भाषा में बोले जाते हैं। विदेश शब्द हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं में समय समय पर स्वीकार होते रहे शब्द होते हैं विदेश शब्द, जैसे डॉक्टर, नर्स, इंस्पेक्टर, प्रेस, बटन, ईमान, ये सभी क्या हो गए, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए, लेकिन हम इनका हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ये विदेश शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द, ये शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं संकर कहलाते हैं, जैसे छायादार। अब छाए यहाँ पर संस्कृत भाषा है, दार यहाँ पर फारसी भाषा है, दो भाषाओं के मेल से शब्द जो बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द भी, इस आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा जाता है, एक रूढ़ है, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, कि पुरानी परंपराओं के साथ जो चलते हुए, जैसे हाथ, घर, फल, माला। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड हो सकते हैं, खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। अब अगर इनको दो अलग अलग भागों में बांटा जाए तो इनके सार्थक शब्द निकलने चाहिए, जैसे भोजनालय, भोजन प्लस आलय, यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, हिमालय, हिम प्लस आलय, नर प्लस ईश, रज प्लस नीश, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, और पाठशाला, पाठ प्लस शाला। अब पाठ का भी अलग अर्थ निकलता है सार्थक शब्द, और शाला का भी एक अलग अर्थ निकलता है, ये भी सार्थक शब्द है। योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दशानन सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर रावण अर्थ में प्रयुक्त होता है। दशानन हम किसे कहते हैं, दस आनन वाला, मतलब रावण जिसके दस मुँह थे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अब अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद हैं, चार, छः भेद हैं, प्रायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए श्रुति विनार्थक, एकार्थी शब्द। प्रायवाची, लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, दिवाकर, सूरज, भानु। अब ये क्या है, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं लेकिन इनके जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है। विलोम शब्द, वे शब्द जो दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सफ़ेद और काला। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द प्रयोग अथवा परिस्थिति के आधार पर इन शब्दों के अर्थ बदल देते हैं, जैसे अंक, संख्या, गोद, संख्या गिनती, और गोद हो गया गोदी में बैठना, अलग अलग अर्थ होते हैं। वाक्यांशों के लिए एक वाक्य, वाक्यांशों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मांस भक्षण करने वाला मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। श्रुति विनार्थक शब्द, वे शब्द जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है श्रुति विनार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अनल, अनिल, अनल हो गया आग, अनिल हो गया हवा। अधर्म, पाप, अधम, नीच, एकार्थी शब्द, एक ही निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पति, पत्नी, नृत्य, कथा, आभूषण आदि। धन्यवाद।